अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम कुकिंग जायका। आज हम मूंग दाल पालक की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी होती है, इसको बनाना बहुत आसान होता है। ये 15 से 20 मिनट में बन जाती है। आप इसको रोटी या पराठे के साथ ले सकते हैं। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसमें मैं एक कप मूंग की दाल को डालूंगी। एक से दो पानी से मूंग की दाल को हमें अच्छे से वॉश करके फिर से हमें पानी में इसको अच्छे से भिगो के रख लेना है, ताकि दाल हमारी अच्छी सी सॉफ्ट भी हो जाए और घर पकाने में आसानी भी रहे। यह है पालक, एक बंच मैंने पालक का लिया है, इसको अच्छे से मैंने वॉश करके रख लिया है। इसके पालक की पत्तियां ही हम इस्तेमाल करेंगे, इसकी डंड का आप इस्तेमाल ना करें, इसको हम छोटा छोटा सा कट कर लेंगे। ये है प्याज, दो मीडियम साइज की मैंने प्याज ली है और दो ही मीडियम साइज की मैंने टमाटर लिया है। अब मैं यहाँ पे दो से तीन टेबल स्पून ऑयल को डालूंगी। ऑयल को हम अच्छा सा गर्म होने के लिए स्टोव पे रख देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैं एक टीस्पून ज़ीरे को डालूंगी। ज़ीरा यहाँ पे अच्छे से क्रैकर हो रहा है, ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू ऑयल में आने तक हम इसको पकाएंगे। अब मैं चॉप की हुई प्याज को डाल दूंगी। प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। देखिए प्याज हमारी यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, बस हम इसको इतना ही पकाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर को ऐड करूँगी, दो पिंच हल्दी, एक टीस्पून भर के धनिया पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए। इन सबको हम अच्छे से यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब मैं यहाँ पर चॉप किए हुए टमाटर को ऐड कर दूँगी, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए थोड़ी देर के लिए हमने इसको यहाँ पे पका लिया है। हमें टमाटर को पहले ही सॉफ्ट कर लेना है। स्पैचुला की मदद से आपको आप इसको इस तरीके से प्रेस करें, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने के बाद ही हम दाल को डालेंगे। मैं यहाँ पे दाल को डालूंगी। 10 मिनट पहले आप पानी में अच्छे से दाल को भिगा के रख ले, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। इसको बनने में बहुत कम टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट में ये बहुत जल्द से गल जाएगी, इसीलिए पहले ही आप दाल को भिगो के रख ले। इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक कप भर के पानी को डालूंगी, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे। दाल के गलने तक हम पालक को यहाँ पे अच्छे से कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें पालक को कट कर लेना है, सारी पालक हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। चलिए अब हम चेक करके दाल को यहाँ पे देख लेंगे। दाल हमारी यहाँ पे 80% पक चुकी है। थोड़ी सी दाल को हम पालक के साथ भी पकाएंगे। 80% आप दाल को अच्छे से पहले से ही पका लें। अब हम यहाँ पे कटी हुई पालक को डाल देंगे। पालक को आप इस तरीके से काट कर ही डालें। पालक डालने के बाद हमें कोई पानी ऐड नहीं करना है। सारी पालक को डाल के हम लो फ्लेम में बस इसको 5 मिनट्स के लिए ही पकाएंगे। चाहे पालक भी अपना पानी छोड़ती है, तो इसी से हमारी दाल यहाँ पे अच्छे से भी गल जाएगी। पूरी 100% दाल हमारी पक चुकी है, बस हम इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे और स्टोव की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए सारा पानी यहाँ पे अच्छे से ड्राई हो चुका है, बस हमें दाल को इतना ही पकाना है। दाल को और भी टेस्टी बनाने के लिए मैं इसके ऊपर बटर का तड़का दूंगी। सिर्फ बटर को मुझे मेल्ट कर लेना है। बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसमें मैं दो सूखी लाल मिर्च को ऐड करूंगी। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। सारी दाल को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर बटर का तड़का डाल दूंगी। देखिए हमारी यम्मी यम्मी सी डिलीशियस मूंग दाल पालक यहाँ पे बनके तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही और ये हेल्दी रेसिपी भी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप इस रेसिपी को
ज़रूर शेयर कीजिएगा। रखिएगा अपना ख्याल। फिर मिलेंगे हम न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।